तो मारते मारते जिंदगी झंड कर देंगे। अब नहीं कहूंगा। हमारा नाम है जेलर तोड़े बे, जेलर तोड़े बे। हाँ, हमारा नाम है जेलर तोड़े, और जिसकी हड्डी पसुड़ी एक बार तोड़े, दुनिया का डॉक्टर उस हड्डी को कभी न जोड़े, समझा? ठीक है साले चूतिया जेलर। हाँ ऐसा कहना, और साहब कह दिया तो समझो तुम हाथ दुर्दशा बदी। अरे ठीक है साले चूतिया जेलर, कुर्सी लगा, हम बैठना चाहते हैं। बैठे, कुर्सी लग गई, लग गई। कैदी के बच्चे, तुझसे मैंने कहा कुर्सी लगाओ, हम बैठना चाहते हैं। कुर्सी में हम बैठने लगे, तूने कुर्सी को पीछे को कर दिया। अभी तो कुर्सी का पावा हमारी गांव में घुस गया था, इतना मारेंगे, मारते मारते तेरी जिंदगी झंड कर देंगे। कैदी के बच्चे, अबे साले चूतिया फर चिकनी थी। अच्छा, इसीलिए हमको देख के घबरा गई है कुर्सी को। हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ, उठिए, बैठिए, बैठिए, उठिए। मैं जितना कहूं हमारी बातों को गौर कीजिए, उतने में ही हमारी जबान पकड़ो। बच्चे, तुझसे मैंने कहा जितना मैं कहूं हमारी बातों को गौर करो, हमारी जबान को पकड़ो, तूने मेरा टेटुआ पकड़ लिया। अबे साले चूतिया, तूने तो कहा था कि मेरी जबान पकड़ो। हाँ तो हमारा गर्दन पकड़ लिया है? अच्छा एटे जिले से आ रहे, इसीलिए रंगबाजी करते हो, क्यों? कोई बात नहीं है, ऐसा है, खुशी आगे बढ़ाओ, हम बैठ। सिट डाउन, बैठ जाओ। क्या मैं कह दी? बोल मैं साले चूतिया जेलर। हाँ ऐसा बोलना, और जेलर साहब कह दिया तो हमारा खून सवार हो जाएगा, समझा? हाँ ऐसा कहना, ऐसा है आज हमारी खोपड़ी दर्द हो रही है, कोई उपाय है ठीक होने का? है उपाय। क्या उपाय है? चंपी। चंपी जानते हो? हाँ जानता हूँ। चंपी जानते हो? हाँ जानता हूँ। उसमें क्या फर्क, क्या गुण है? एक सूखी है। हाँ और एक गीली। सूखी किस तरह होती है, गीली किस तरह होती है? सूखी में लगेगा। अच्छा, और गीली? गीली में नहीं लगेगा। गीली किस चीज से गीली की जाएगी? तेल से। अच्छा, सूखी सूखी में लगेगा और गीली में नहीं लगेगा? गीली में नहीं लगेगा। कहा का मतलब, जब तुमसे हम सूखी करवो तो हमें लागी? लागेगी। और जब तुमसे हम तैयार लगवा के करवा ले तो हमें ना लागी? नहीं लगेगी। हमका शंका है। अरे आपकी आदत पड़ जाएगी। अच्छा, गीली कराने कराने आदत पड़ जाएगी? क्यों? हाँ, तेल लगवा के करवाने की आदत पड़ जाएगी। हाँ साले। अच्छा अच्छा, हमका शंका हो ही रहा कि जब तुमसे हम सूखी करवाओ तो हमें लागी, और जब तुमसे तेल लगवा के हम करवा ले आप तो हमें ना लागी। नहीं लगेगी। हमका शंका यही बड़े हो ही रहा, मान लीन तुमसे हम सूखी करवाए, साला थोड़ा बड़ा लाग पता लाग, तुमसे हम तेल लगवा के करवा ले, साला चिकन हट पा के मामला गहराई में चला जाए, क्योंकि खौहटियान है ही हो, काफी दूर से आ रहे हो,
ये तो आपकी सोच है। ऐसा है, हम ना कराएंगे सूखी ना तो कराएंगे गीली। पहले तुम ये बताओ, तुमने अपनी बहन का खून क्यों किया है? अबे साले चूतिया, हम चूतिया तो है ही है। मैंने अपनी बहन का खून किस लिए किया? किस लिए किया, क्यों किया? अपना मान सम्मान बचाने के लिए किया। तो अगर आपकी बहन मर गई है तो क्या मान सम्मान बच गया है? बच आप गया। एक पाप के भागीदार बन गए हैं, पाप के भागीदार बन गए हैं। तुम्हारी समझ से है ना? तो आप अपनी बहन का खून कर दिया है, किस लिए किया खून? अरे इन बातों से फायदा क्या? तो बताओगे, अगर पूरी बात बता दोगे तो हम दिल से कहते हैं तुम्हें यहां से छोड़ भी देंगे। मेरी बहन ने कुछ ऐसा घिनौना काम किया। अच्छा, उसीलिए मैंने अपनी बहन का खून कर दिया। ये बात है, ठीक है। अगर आप अपनी बहन का खून कर दिया है, अपना मान सम्मान इज्जत बचाने के लिए खून किया है, तो कोई बात नहीं है। आपकी बातों सुन के हमें तरस आ गया है, इसलिए आपको हम जैसे छोड़ना चाहते हैं। ये तो आपका बड़प्पन है। बड़प्पन नहीं, हम बहुत दयालु आदमी हैं। अच्छी बात है। जाइए। जा रहा हूं। जा रही? लेकिन आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। एहसान कोई नहीं भूल सकता, अच्छे अच्छे लोग हमारा एहसान नहीं भूलते, उनके साथ ऐसा हम काम कर ही देते हैं। आज से रफत बाग से तुम्हारी जेल से आजाद हो गया। जय राम। मंत्री 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 गंगी, गंगा नहीं बल्कि मंत्री गंगी, हमने सेनापति बाग सिंह को छोड़ दिया नहीं, बल्कि तोहरी मौत का गड़ावा खोद दिया है। जिस दिन ये सेनापति बाग सिंह आएगा, उस समय मंत्री गंगी तोहरी हवा नीचे की निकल जाएगी। लेकिन यार यही का तो छोड़ दी ना, यह तो हिया से चला गा, अब हमका का होई? हमका का होई? कहो यार मंत्रिया आए ना जाए, आए गया तो समझो हमारा दुर्दशा बदी है। अगर मंत्रिया आ गया तो समझो हमारा दुर्दशा बदी है। हाथ कड़ी हमारे लगे है, मंत्रिया है नहीं ना, और सेनापति यहाँ पे है नहीं है कैदी। आइए चलते हैं, अगर आएगा तो कोई कोई रास्ता जरूर बताएंगे, यही कहेंगे सेनापति को हमने मार दिया। लेकिन कहो फिरो ना माने, कहो कहे लिहाज दिखाओ, और लिहाज का कही तो हमारा भय दुर्दशा। लेकिन अगर लिहाज का कहीं तो यही कहेंगे हमने कुइया में छोड़ दिया है। लेकिन सारे मंत्रिया बड़ा दिमागी है। ओ लंबड़ार लाओ, सेना पद कहाँ है? आज उसकी फांसी देंगे हम। यार फांसब का यार, यार कहा बताई यार। लंबड़ार बड़ा गजब होएगा, गजब होएगा। सेनापति तो हम मार दी ना, मार दी। यानी सेनापति को तूने मार दिया? अरे नंबरदार मारते हम नहीं, क्योंकि आपका आदेश नहीं था, और उससे हम बात करने लगे, हमने कहा बहुत सुहाग रात मनाते हो। अच्छा? लंबरदार जी का कहना था सुहाग रात नहीं मनाना। हाँ? तो कहता है तुम कौन सुहाग रात रोकने वाले होते हो? अच्छा, हमारे लाग गुस्सा और आवा गुस्सा मा हमारा घे आघा पकड़। हम कहें कुछ कह दे, कुछ बता दे। अच्छा फिर क्या हुआ? घे आघा पकड़ ली, हमारे लाग गुस्सा, दुई गोली भरे न पाई राइफल में, दुई नो गोली दी न मार। अब हमारे लगे गोली नहीं बची। ठीक किया, बहुत अच्छा किया। हा? जो उसे खत्म कर दिया, अगर उसे खत्म कर दिया तो उसकी लाश कहाँ है? लाओ यार, जाने फसल का यार। लंबरदार जहां पर रही लाश वाली बात, इतनी गोली वही मारी लाश में, इतनी गोली मारी है कि लाश एकदम चिथरा हो गए है, लाश एकदम चिथरा हो गए रहे। तो हम सोचे नहीं का कहाँ ले जाए, हमारे सथवा को रहबो नहीं भा, ढके। यानी उसकी लाश को कुएं में ढकेल दिया। भाई का अगर
कहाँ ले जाई भी? तो फिर कुएं के अंदर कूदो और लाश को बाहर निकालो। अरे राम, उनका लागत बचब ना। लंबरदार लहास उतरात रही कुइया मां, लहास उतरात रही और चार ठाई छू ही रही कुइया वाली, वही छू ही चारू दीना ठेली और लाश कम से कम 70-80 फुट के नीचे चली। अब हम लंबरदार कुइया तो न हिलब, छोड़ो चाहे हम मर जाए भले, छोड़ो हमारा दुश्मन मर गया, खत्म खत्म, इतना काफी है। अब आओ चलकर आराम करते हैं। दोखी कही हैं, अगर इतना पॉइंट न बदली तो हम पॉइंट पकड़ ली इस रह यार। लेकिन जाए बेटा घुसैन के साथ एक से एक आवत जाता है, आइए चलते हैं। लेकिन चलते चलते कहा गया है, अरे वो लोग के तनाव ठीका है मगर पिल्लार जिंदगी। क्या है जिंदगी माँ? अरे तुम उसी वक्त मेरा गला दबा के मार देती जिस वक्त मेरा जन्म हुआ था, घरचे में तभी मर जाती तो कम से कम ये दिन तो देखने को नहीं मिलता। तुम तो इस दुनिया से चली गई हो माँ, लेकिन आज अपनी बेटी की हालत तो देखो क्या है। आज वो तो दुनिया से चले गए होंगे, किस तरह से तड़प तड़प के उनके प्राण निकले होंगे। वो तो चले गए, लेकिन जाते जाते चंद मिनट की मुलाकात में अपने प्यार की निशानी मुझे दे गए। उनके प्यार के निशानी को इतने जतन से पालूंगी, इतने जतन से पालूंगी और यही समझूंगी कि दुनिया की हर खुशी मेरी झोली में डाल के गए हैं। मैं अभी तक तो कुछ और सोच रही थी, लेकिन अब मैं जिंदा रहूंगी। उन्हीं का नाम लेकर मैं अपनी शेष जिंदगी बिताऊंगी। कहते हैं पल दो पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, पल दो पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का,
और मेटे से ना मिटे बिदना लिखा लकीर का। कहते हैं जो विध कर्म में लिखा विधाता, आज मेरी किस्मत में जो लिखा है, जो विध कर्म में लिखा विधाता और मिटाने वाला कोई नहीं, वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला चुनीलाल। हाँ भाई मुनीलाल, अपने महाराज जी अपने राजभवन में पहुंचने वाले हैं। क्यों है? महाराज जी का इंतजार किया जाए। जी मालिक, क्या बात है? महाराज जी, जासूसों द्वारा खबर लगी हुई है, जो कनकपुर का महाराज कनक सिंह है, आपकी इस राज्य में चढ़ाई करने वाला है। मेरी राज्य में? जी महाराज, आपकी राज्य में चढ़ाई करने वाला है और आपकी बेटी राजकुमारी पद्मावती का डोला भी मांग रहा है। ठीक है, जाओ मेरी बेटी राजकुमारी को भेजो। पिताजी आपसे प्रणाम करती हूं। और पिताजी बात है कैसी, और पिताजी बात
है कैसी ये क्यों दास बैठे हमारी उदासी का कारण जानना चाहती है। हाँ जी। अरे बताओ क्या तुम्हें बेटी मैं कैसे उदास बैठा हो कि हमारा एक दुश्मन है। कौन है पिताजी? कनकपुर का सम्राट कनक सिंह, वो हमारे राज पे चढ़ाई करने वाला है। क्या वो कनक सिंह चढ़ाई करने वाला? उसने मेरे साथ खत भेजा है कि अगर राजकुमारी पद्मा का डोला अगर सीधे दे देते हो तब तो सुकून है, नहीं तो जंग के लिए तैयार हो जाओ। अब भुजाओं में अब ताकत भी नहीं है कि हम कनक सिंह का सामना कर सके। पिताजी, करण सिंह की ये मजाल, इतनी बड़ी उसकी औकात हरामजादे का कि वो राजकुमारी पद्मा का डोला मांगने के लिए। पिताजी, जब तक ये पद्मा है तब तक हरामजादा वो कनक सिंह का है, ये दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं उछा। वो तो समझता हूं पिताजी, कनक सिंह से मैं लड़ूंगी। कनक सिंह को तुम मार के आओगी? हाँ पिताजी, मैं कनक सिंह को मार के आऊंगी। जिस समय तुम कनक सिंह को मार करके आओगी हम तुम्हें बेटी नहीं बल्कि बेटा समझेंगे। ठीक है पिताजी। और जाओ चाकर के तैयारी करो, लेकिन अपने साथ में हाँ अपने राज दरबार का एक दरबारी जरूर ले लेना ताकि वो बहुत होशियार है। ठीक है पिताजी। ले लो, लाइए। चलो ठीक है पिताजी, मैं चल रही हूँ। दरबारी हजूर, कुछ तो सहारा मिला। राज दरबार में सेनापति था वो भी, मालूम नहीं किस अच्छा लग गया जी अली। लेकिन आज हमारी बेटी कहती नहीं, कनक सिंह का सर हम काट करके लाएंगे। क्यों नहीं महाराज जी? जिस समय ये कनक सिंह का सर काट के लाएगी ना, हम इसे पूरे राजपाट का मालिक बना देंगे। क्यों नहीं महाराज जी? आओ हम चल के आराम करते हैं। आज के 20 साल पहले मेरी शादी हुई थी जी। मेरी पत्नी एक बेटा और एक बेटी का जन्म देकर उसका स्वर्गवास हो गया। लेकिन हुजूर, यानी भगवान को प्यारी हो गई वो। अच्छा मालिक, जब आपकी मलकिन खत्म हो गई है तभी से दूसरी लौंडिया की खोज करने लगे हो? इसीलिए तो तड़पता रहा जीवन भर। लेकिन दरबारी, उस बेटे को मैंने
पाल पोस कर सयाना किया। आज मेरा बेटा शक्ति 18 साल का हो गया। जाओ और जाकर देखो मेरा बेटा कहाँ है। क्या बात है आज, काफी दिन से हम सभी राज दरबार आते हैं, अपने घर आते हैं तो हमारे पिताजी की ऐसी हालत नहीं रहती, लेकिन आज आज बात क्या है, हमारे पिताश्री इतना उदास। अरे मैं अपने पिताश्री को बचपन से जवा रहा, जब मैं इतना था ना और इतने से इतना हुआ तब से जानता हूं, लेकिन आज तक ऐसी हालत हमने नहीं देखी। पिताश्री के किस बात का हुआ गम, पिताश्री के किस बात का हुआ गम, और बापू जरा बताओ। किस बात का हुआ गम, बापू जरा बताओ। सब तक हंसदा सकी इतना आया चेहरा लटका हुआ, बिल्कुल चेहरे पे मुर्दनी छाई हुई है। यो बेटे, हाँ पिताश्री, बड़े अफसोस की बात है। अफसोस आपको? अब मेरे शरीर में ग्रीस नहीं रही। बिल्कुल ग्रीस खत्म, शरीर की ग्रीस खत्म हो गई बेटे। कनकपुर का राजा कनक सिंह अपने राज पे चढ़ाई कर दिया और राजकुमारी पद्मा का डोला लेने के लिए आ रहा है बेटा। राजकुमारी पद्मावती कनक सिंह का सर काटने के लिए गई है। राजकुमारी पद्मा? हाँ बेटे, वो अकेली गई है, कहीं ऐसा ना हो कि वो कनक सिंह राजकुमारी को खत्म कर दे।
बेटा तो मैं क्या करूं? हम तुझे आदेश देते हैं, जाओ बेटे जाओ और जाकर कनक सिंह का सर काट कर हमारे कदमों पे डाल दो।